बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से भी हलचल तेज हो गई चुनावी तैयारियों को लेकर, और इसके साथ ही ये जानकारी भी आप तक पहुंचा दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर कमेटी ने ऐलान कर दिया है। एसीसी ने कांग्रेस चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। चुनाव समिति 19 नेताओं को जगह दी गई है। कांग्रेस की कैंपेन कमेटी का भी ऐलान किया गया है, जिसमें कांतिलाल भूरिया को अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि एआईसीसी ने कैंपेन कमेटी में पिता पुत्र और दो सगे भाई भी इसमें शामिल होंगे। छिंदवाड़ा से मौजूदा सांसद नकुलनाथ के साथ ही उनके पिता कमलनाथ इस कमेटी के सदस्य हैं। दिग्विजय सिंह और उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह को भी कमेटी में शामिल किया गया। इसके साथ ही ये जानकारी भी आपको दे देगी कि किस तरह से 2018 में जो नाराजगी थी कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की, सीनियर लीडर्स की, अब वो भी कहीं ना कहीं इस कमेटी के गठन के बाद दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन सीनियर लीडर्स को जगह दी गई, एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि आने वाले चुनावों में उन सीनियर लीडर्स का अनुभव के चलते अनुभव साझा करें और मध्य प्रदेश में जिस तरह से 2018 में जीत हासिल की थी, उसी तरह अब 2023 में भी बड़ी जीत के साथ कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाए, जिसके चलते तमाम प्रयास जो है लगातार एआईसीसी की ओर से किए जा रहे हैं। आपको बता दें, साल 2018 में कांग्रेस सरकार के कई नेता ऐसे थे जिन्हें वरिष्ठ होने के बावजूद भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। इनमें शिवपुरी जिले की पिछौर सीट से 6 बार के विधायक केपी सिंह और चाचौड़ा से विधायक लक्ष्मण सिंह को कमलनाथ कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई थी। केपी सिंह इसके बाद से ही लगातार अंदर खाने से नाराज चल रहे थे। वे पार्टी के कार्यक्रमों में भी कम दिखाई देते थे। उनकी नाराजगी को देखते हुए उन्हें अब कैंपेन कमेटी में बतौर सदस्य शामिल किया गया। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता की ओर। वैभव, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, पिछली बार हमने देखा तो 2018 में युवा चेहराओं को तो काफी प्रमोट किया गया था कांग्रेस की ओर से, लेकिन जो सीनियर्स लीडर्स थे कहीं ना कहीं उन्हें नजरअंदाज किया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, उन्हें भी मनाने की कवायद की जा रही कांग्रेस की ओर से, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वैभव, की मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल, कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के नामों की घोषणा कर दी गई है और समिति का जो अध्यक्ष है या कह सकते हैं प्रमुख, वो कांतिलाल भूरिया को बनाया गया है। तो कह सकते हैं कि आदिवासी वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस ने एक कदम और आगे बढ़ाया। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग को लेकर लगातार सियासत हो रही है, अब से कुछ दिन पहले इंदौर पहुंचे थे कमलनाथ, जहां आदिवासियों की महापंचायत को संबोधित किया था, कई सारे उन्होंने बात की थी। और आज जब घोषणा हुई है तो कमलनाथ का जो नाम है वो दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर कांतिलाल भूरिया का नाम है। तो बेहद स्पष्ट है कि न केवल चुनाव अभियान समिति के नामों की घोषणा की है, बल्कि कांग्रेस के द्वारा लगातार सूचियों की घोषणा की जा रही है, समितियों के नामों की घोषणा की जा रही है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस मामले में बीजेपी से लीड ले ली है। अब बिल्कुल वैभव, जिस तरह से लगातार हम देखते आए हैं कि कांग्रेस जब भी परिवारवाद का आरोप लगता है तो कांग्रेस पर लगता है, और यहाँ पर हम कमेटी में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर नकुलनाथ के साथ साथ कमलनाथ भी कमेटी के सदस्य बने हैं, दिग्विजय के साथ साथ उनके भाई लक्ष्मण सिंह को भी जगह दी गई है। ऐसे में क्या बीजेपी के पास कहीं ना कहीं से भुनाने के लिए मुद्दा मिल गया चुनावी साल में? चूंकि नकुलनाथ मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा से सांसद हैं, और जो लक्ष्मण सिंह की बात की, लक्ष्मण सिंह भी विधायक हैं, तो उन्हें इन पद होने के नाते इसलिए सूची में शामिल किया गया है। हालांकि बीजेपी जरूर परिवारवाद के आरोप लगाएगी, लेकिन इन लोग निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, इन्हें शामिल किया गया और लंबे समय से राजनीति भी कर रहे हैं, बेहतर रूप से कांग्रेस को समझते हैं, बेहतर रूप से मध्यप्रदेश को समझते हैं, मध्यप्रदेश की सियासत को समझते हैं। क्योंकि 4 महीने बाद मध्यप्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन दोनों ही दल अपने प्रमुख नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां देकर इस सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल वैभव, और साफ तौर पर ये भी देख सकते हैं इस लिस्ट में कि कांतिलाल भूरिया को अध्यक्ष बनाया गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस आदिवासी वर्ग पर फोकस कर रही है, और इसी के मद्देनजर एक बड़ा फैसला भी लिया गया है जिसमें फेहरिस्त में इनका नाम कांतिलाल भूरिया, जो कि आदिवासी नेता है, उनका नाम भी शामिल है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, आप हमारे साथ में बने रहिए।